नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने से पहले सियासी जंग तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच जारी है और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें यहां पर अखिलेश यादव जिस तरह से बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव में पिछड़ने के संकेत मिल रहे हैं। और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में पिछड़ जाती है तो विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह से आखिर भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरती हुई नजर आएगी, क्योंकि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतने के बाद एक मजबूत स्तंभ बनते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया और बहुत ही बेहतरीन पहचान बनाते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्या उपचुनाव में भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इसी तरह से प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी वापसी करती हुई नजर आएगी इन उपचुनाव के माध्यम से। इस मुद्दे पर तमाम चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ माही मौजूद है। माही, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माही, क्या कुछ लगता है जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी, अखिलेश यादव की पार्टी सूबे में उठती हुई नजर आई, तो क्या लगता है कि इस बार की विधानसभा के उपचुनाव में 10 सीटों पर क्या समाजवादी पार्टी लीड करती हुई नजर आएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को इतना बेहतर बना देगी कि समाजवादी पार्टी को कड़ी टक्कर देगी, क्या कुछ लगता है? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस बार कमबैक करने का प्लान किया है, अखिलेश यादव मजबूत स्थिति में नजर आए जरूर लोकसभा चुनाव में, लेकिन इस बार कुछ ऐसे मुद्दे रहे जहां पर बैकड्रॉ निकल कर आ रहा है अखिलेश यादव का, जिसमें मोइन खान का मुद्दा, नवाब सिंह का मुद्दा कहीं ना कहीं तूल पकड़ता हुआ नजर आया। वहीं अगर देखा जाए तो पीडीए पर जिस तरीके से वो काम करने की कोशिश कर रहे थे, अब चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहीं ना कहीं उस पीडीए पर कब्जा करने की पूरी तैयारी कर ली है। मायावती ने भी इस बार जो एक्टिव मोड अपनाया है, कहीं ना कहीं भारत बंद मुझे लगता है कि मायावती के पक्ष में जाने वाला है और इसमें जो वोटों की कटौती होगी वो अखिलेश यादव के खेमे से हो सकती है। वहीं योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं नुकसान झेलने के बाद इस बार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से कटेहरी मिल्कीपुर सीट और जो तमाम बिजनौर करहल की ऐसी सीटें हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य एकजुटता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में जो समीकरण है कहीं ना कहीं वो जो 50-30-30 का रेशियो बनता हुआ मनीष नजर आ रहा है और 10% बात कर लिया जाए तो मायावती का दबदबा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जो समीकरण है वो इस बार ये नहीं कहा जा सकता कि किसी पार्टी का दमखम देखने को मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी उतनी ही मेहनत के साथ लगी हुई है और वहीं देखा जाए तो अखिलेश यादव भी उतनी ही मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद रावण का आपने देखा तमाम ऐसी वीडियो क्लिप्स वायरल हुई जिसमें वो जनता के मन को छूते हुए नजर आ रहे हैं, कई ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो समाज से जुड़े, जो किसी नेता के मन में भी शायद वो बात ना आती हो, वो एक आम आदमी की तरह कहीं ना कहीं बात करते हैं, जनता को लुभाने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि इस बार जो वोट बैंक है उसमें बड़ा जो एक वर्ग है वो आजाद की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान हो सकता है और अखिलेश यादव को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपने देखा कि पिछले जो बीते लोकसभा चुनाव है उसमें मायावती की वजह से अखिलेश यादव को लगभग 16-17 सीटों का नुकसान हुआ था और यही बात इस बार चंद्रशेखर आजाद के साथ भी हो सकती है। अगर आजाद मैदान में उतरेंगे, मायावती उतरेंगे, तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव का उसका घाटा देखने को मिलेगा, क्योंकि ओबीसी वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं अखिलेश के पास है और भारतीय जनता पार्टी ने पूरा मुस्लिम वोट बैंक को दरकिनार कर दिया है, वही दलित वोट बैंक इन दोनों के खाते में चले गए, तो कहीं ना कहीं जो सेध मारी होगी वो सबसे ज्यादा किसके खाते से हो सकती है, अखिलेश यादव की। तो कहीं ना कहीं आजाद और मायावती की आने की वजह से अखिलेश यादव को बड़ा झटका लग सकता है इस बार के उपचुनाव हो चाहे 2027 का विधानसभा चुनाव हो, इसलिए अखिलेश यादव दोनों के साथ गठबंधन करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन दोनों ने अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के उपचुनाव के बाद ये रणनीति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार जो 2027 का चुनाव है, विधानसभा चुनाव, वो किसके पक्ष में जाएगा। जी बिल्कुल, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2027 का विधानसभा चुनाव किसकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि अब देखा जाए तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं मायावती लोकसभा चुनाव में पिछड़ने के बाद एक्टिव होती हुई नजर आ रही है, 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहती है, वहीं चंद्रशेखर आजाद भी 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहते हैं, और ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा अगर ये दोनों पार्टियां एक एक दो दो सीट निकाल लेती हैं तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर इसका क्या कुछ खासा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर सियासी उठापटक का दौर जारी है और ऐसे में बैठकों पर बैठकें की जा रही हैं, चाहे लखनऊ का दफ्तर हो या दिल्ली का दफ्तर हो, तमाम यहाँ पर नेताओं की बैठक अमित शाह मोदी के साथ होती है दिल्ली के अंदर, और यहाँ पर देखा जाए तो सूबे में योगी आदित्यनाथ और यहाँ पर देखा जाए तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी बैठकें करते हुए नजर आते हैं, तो अब ये बैठकों का दौर ये दर्शाता है कि
यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आम चुनाव में पिछड़ने के बाद कहीं ना कहीं उपचुनाव को लेकर तैयारियां तो कर रही है, लेकिन उन तैयारियों का कितना यहाँ पर फायदा मिलता हुआ नजर आएगा? अखिलेश यादव कहीं बाजी तो नहीं मार लेंगे, क्योंकि इन 10 सीटों में 5 सपा की जिताऊ सीटें हैं और 5 अन्य सीटों पर भी अखिलेश यादव कहीं ना कहीं दावे ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी के पाले में जाएंगी या फिर यहाँ पर समाजवादी पार्टी को भी एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा? तो अगला सवाल माही ये रहेगा कि क्या समाजवादी पार्टी जिस तरह से दावे करती हुई नजर आ रही है लोकसभा चुनाव की तरह ही बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी, या फिर आजाद और मायावती मिलकर इनका वोट काटते हुए नजर आएंगे? क्या कुछ लगता है आपको? जी बिल्कुल, देखिए मैंने पहले ही जिक्र किया मनीष की, कहीं ना कहीं मायावती और आज़ाद इस वोट बैंक में इस बार कहीं ना कहीं कन्नी काट सकते हैं और अखिलेश को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं एक मुद्दा नवाब सिंह वाला, मोइन खान वाला मुद्दा आपने देखा ही कि कहीं ना कहीं अखिलेश की किरकिरी होते हुए नजर आई। तो ऐसे में जो तमाम मुद्दे हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा फायदा उठा सकती है, लेकिन वही बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहीं ना कहीं बेसिक मुद्दे हैं उनको दरकिनार कर देना कहीं ना कहीं उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है और अखिलेश यादव ने इसी बात का फायदा उठाया। और इस बार के जो लोकसभा के नतीजे आए हैं कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी चौंकाने वाले रहे होंगे, उनको भी नहीं पता रहा होगा कितनी ज्यादा सीटें उनको मिल जाएगी और वही कारण है कि उनका आत्मविश्वास बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसमें फंसती हुई नजर आती है और यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में भारी मत से जीत मिल गया, लेकिन इस बार के जो चुनाव है वो काफी छोटे स्तर पे है, तो इसमें सभी पार्टियां कहीं ना कहीं चौकन्ना है और जनता को लुभाने का प्रयास कर रही है। अब ऐसे में वही होगा कि कौन सबसे बेहतर मुद्दे उठा सकता है जनता को साधने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है 15 साल से सब देख ही रहे हैं। आप देखिए कि अब अगर इस बार भी जनता का मन बदल गया है कि नहीं अब भारतीय जनता पार्टी उनको सरकार में नहीं चाहिए, तो जाहिर तौर पर जनता फिर से अखिलेश यादव की तरफ शिफ्ट होती हुई नजर आएगी, ऐसे में आजाद की तरफ भी जा सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी का इस बार कहीं ना कहीं जो पलड़ा है वो भारी नहीं कह सकते, वो 50-50 के रेशियो पर चलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं उसी जोन में चल रहे हैं। अगर ये पूरा समीकरण साफ हो जाता है कि इस बार अगर आजाद थोड़ा सा अखिलेश यादव को समर्थन करते हैं, मायावती अखिलेश यादव को समर्थन करती है, तो कह सकते हैं कि स्पष्ट तौर पर कि इन लोगों के समीकरण बन सकते हैं इस बार 10 सीटों पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव बाजी मार सकते हैं। लेकिन अगर सभी अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे, आजाद, मायावती, अखिलेश और सब, तो कहीं ना कहीं फिर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचने की पूरी संभावना जताई जा रही है। जी बिल्कुल, तब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को पूरा फायदा पहुंचाने की यहां पर उम्मीदें जताई जा रही हैं। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण लोकसभा चुनाव में नगीना से जीतने के बाद अब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम ऐसे मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहे हैं जो कि आम जनता से जुड़े हुए हैं। तो क्या आजाद को ये चीजें कहीं ना कहीं विधानसभा के उपचुनाव में दरवाजे खोलती हुई नजर आएंगी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए? क्योंकि देखा जा रहा है आजाद बहुत कम समय में बहुत ज्यादा लोकप्रिय होते हुए नजर आए और ऐसे में मायावती का वोट बैंक छीनने में भी कामयाब रहे, तो क्या अब मायावती और आजाद के बीच में भी यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव में जंग देखने को मिलेगी? क्योंकि दोनों ही पार्टियां दलितों और मुस्लिमों के मुद्दे को लेकर, पिछड़ों के मुद्दे को लेकर, कहीं ना कहीं गरीबों और वंचितों के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ती हुई नजर आती हैं, और ऐसे में मायावती भी इस बार आम चुनाव में जिस तरह पिछड़ी क्या एक बार फिर से कमबैक करने में यहाँ पर कामयाब होती हुई नजर आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ मुख्य भूमिका रह जाएगी? क्योंकि सूबे में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो क्या सरकार होने के बावजूद भी यहाँ पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा? और ऐसे में अखिलेश यादव की क्या कुछ भूमिका आने वाले समय में होने वाली है, इसके लिए फिलहाल अभी इंतजार करना होगा। धीरे धीरे यहाँ पर पत्ते खुलते हुए नजर आएंगे और अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर उपचुनाव होने के बाद विधानसभा चुनाव का सफर तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ की तमाम राजनीतिक पार्टी को लेकर किस तरह से रहने वाला है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9।